आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी हुए भावुक, कहा मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। मोरबी ब्रिज हादसे पर सिंगापुर के उच्चायुक्त ने जताया दुख, कहा परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना। सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सीजीआई ललित के 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होते ही सुप्रीम कोर्ट में 7 पद होंगे खाली। केसीआर का आरोप, टीआरएस विधायकों को खरीदने के लिए 100-100 करोड़ की पेशकश कर रही है बीजेपी। मोरबी पुल हादसा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुजरात में हुई त्रासदी पर शोक जताया। पंजाब में पराली जलाने के मामले में 13,000 के पार निपटने में असफल है, 4 कृषि अधिकारी सस्पेंड। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के 2 जहाज पहुंचे विशाखापट्टनम, भारतीय नौसेना के साथ करेंगे अभ्यास। मोरबी की घटना पर अमित शाह ने व्यक्त किया गहरा दुख, कहा पूरे देश की भावनाओं को झकझोर देने वाला हादसा। मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है देश का कानून, नाबालिग लड़की की शादी को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट की टिप्पणी। पुलिसकर्मियों को मिलेगा एमएच विशेष ऑपरेशन मॉडल, गृह मंत्रालय ने की घोषणा। उगते सूर्य को अर्घ देने पटना के घाट पहुंचे तेजस्वी, छठ को लेकर लोगों से क्या खास वादा। जम्मू कश्मीर में रोजगार के दरवाजे खुले, 3 साल में मिलेगी 30,000 सरकारी नौकरियां। भारतीय सीमा में दाखिल हुए 2 पाकिस्तानी नागरिक काबू, बीएसएफ ने तलाशी के बाद पाक रेंजर्स को सौंपा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। उदयमान सूर्य को अर्घ देकर 36 घंटे का व्रत का हुआ पारण, छठी मैया की जयकार से गूंज उठा लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को मिलेगी वीसी केयर फंड की सौगात, 52 विद्यार्थी होंगे लाभवंत। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अब बन रहा है सरदार पटेल के सपनों का भारत। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सड़कों के धीमे निर्माण पर जताई नाराजगी, पूछा सवाल तो बगले झांकने लगे अधिकारी।
गुजरात के मोरबी में पुल हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया, कहा प्रभावितों की प्रभु श्री राम रक्षा करें। अयोध्या में नंदीग्राम महोत्सव का होगा आगाज, 15 नवंबर से शुरू होगा खास कार्यक्रम। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन न करने पर सर कलम करने की मिली धमकी, पीएससी में तैनात सिपाही बेटी बेटी को मिली धमकी। हरदोई में सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री, विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। हरदोई में अपनी मांगों को लेकर नाले में उतरे सफाई कर्मचारी, गंदगी में खड़े होकर किया प्रदर्शन। कासगंज में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, शहीद देवेंद्र मेमोरियल कप का किया गया आयोजन। रायबरेली में हरियाली के दुश्मनों का कहर जारी, आए दिन काटे जा रहे हरे पेड़। शाहजहांपुर में व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्ध, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने श्रद्धालुओं को दी बधाई। प्रयागराज में धूमधाम से मनाया गया छठ महापर्व, अर्ध देने के बाद महिलाओं ने सूर्य देव से मांगा आशीर्वाद, अमर सुहाग रहने का मांगा आशीर्वाद। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर चौकीदार की निर्मम हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। समर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद की सभा का आयोजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर इकबाल हैदर हुए शामिल। समर में कोलियों माफियाओं की दिख रही मनमानी, प्रदूषण फैलाने का लग रहा है आरोप। सीतापुर में पुलिस जीप और अज्ञात वाहन के बीच टक्कर, एसआई समेत 3 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। औरैया में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही सरदार पटेल की जयंती, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने किया माल्यार्पण। फरुखाबाद में आबकारी मंत्री ने व्यापारी सभा को किया संबोधित, व्यापारियों की सक्रियता बढ़ाने की अपील। संभल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायबरेली में सरदार पटेल की मनाई गई जयंती, कई विभागों पर पड़े मिले ताले। अमेठी जिले के गौरीगंज पुलिस ऑफिस में कार्यक्रम यूनिटी फॉर रन का हुआ आयोजन, सभी थानों के अधिकारियों और जवानों ने लिया हिस्सा। बलिया के छठ घाट पर हुआ जमकर बवाल, हनुमान की प्रतिमा रखने के दौरान हुआ बवाल। गोंडा में जिला अस्पताल के वार्ड आवारा कुत्तों का बना अड्डा, जिला अस्पताल के अंदर कुत्तों का जमावड़ा दिखा, अस्पताल की लापरवाही मरीजों पर पड़ सकती है भारी।
मणिपुर में कुरारा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। थाने में तैनात दरोगा ने की मनमानी, कार पर किया हेलमेट का चालान। लखनऊ में कानपुर की छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति पर एफआईआर, कुलपति विनय पाठक पर दर्ज हुआ एफआईआर। लखनऊ में डेंगू से महिला स्पोर्ट टीचर की मौत, एसजीपीजीआई, पिछले दो दिन से चल रहा था इलाज, सात दिन पहले आया था महिला को बुखार। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के धनवारा गांव में युवक की हत्या, पत्नी ने प्रेमी संग पिटाई कर पति को फांसी के फंदे से लटकाया। दीपावली की आतिशबाजी से बिगड़ी लखनऊ की हवा, तापमान में भी गिरावट। राजस्थान में स्टैम्प पेपर पर लड़कियों की नीलामी प्रकरण पर मायावती कांग्रेस पर जोरदार हमला की। भड़काऊ भाषण देने के कारण आजम खां को मिली सजा, हर दल के लिए संदेश। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ व्रत का समापन, काशी में गूंजी छठी मैया के गीत। आजमगढ़ में पेन गन सहित कारतूस और असलहों का अवैध कारोबार, पाकिस्तान तक जुड़े हैं तार। रामजान की मार के लिए देवरिया के 45 गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। उदयमान भास्कर को अर्घ देने के साथ हुआ समापन, उत्तराखंड में दिखी छठ की अनूठी छटा। हरिद्वार में गंगा रन का आयोजन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया शुभारंभ। आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड को 1400 करोड़ का तोहफा, केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से दिलाई मंजूरी। उत्तराखंड में एमबीबीएस व एमडीएमएस के प्रवेश के लिए बदला नियम, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी ने शुरू की नई व्यवस्था। छठ घाट पर पहुंचे सीएम धामी ने भी पूजन किया, प्रदेश में समृद्धि की कामना की। उत्तरकाशी में शीतकाल के दौरान इस बार 52 साधु संत करेंगे गंगोत्री में साधना, पुलिस ने सत्यापन कर चिन्हित किया। पर्यटकों के लिए बंद हुई फूलों की घाटी, इस साल रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा ने किए थे दीदार इसकी। देहरादून में यूपीसीएल मुख्यालय में स्वीकृति पदों के मुकाबले अधिक इंजीनियरों की फौज, आरटीआई से हुआ खुलासा। राजाजी टाइगर रिजर्व से गुलदार के बाद आबादी में पहुंचा हाथियों का झुंड, दहशत में राजधानी के लोग। उत्तराखंड में प्रवास कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद, मंत्री, विधायक, कुमार को मिली कार्यक्रम की जिम्मेदारी। चीन के झेंगझो में सख्त कोविड लॉकडाउन, आईफोन फैक्ट्री से भाग रहे चीनी कर्मचारी।
साउथ कोरिया में फिर हिली धरती। इस साल आए 38 भूकंप में यह झटका था सबसे जोरदार। लगातार घुसपैठ कर रहा ड्रैगन। ताइवान ने सीमा के करीब 8 चीनी सैन्य विमान, 3 नौसैनिक जहाजों को किया ट्रैक। पूर्व पीएम इमरान खान की रैली में दिल दहला देने वाला हादसा। कंटेनर से कुचलकर महिला पत्रकार की मौत। साल से निष्क्रिय ज्वालामुखी फिर से हुई शुरू की हलचल। वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और हॉविटजर यूक्रेन की मदद करना जारी रखेगा जर्मनी। एयर डिफेंस के लिए देगा हथियार। फिलीपींस में तूफान नलगे के असर से भीषण बारिश। 47 लोगों की मौत। दर्जनों के लापता होने की आशंका। राष्ट्रपति एर्दोगन ने घोषित किया तुर्की का विजन। शताब्दी देश के लिए चाहते हैं नया संविधान। अमेरिका में कई स्थानों पर भारतीय अमेरिकियों ने की छठ पूजा। दिखा दिया सूर्य को अर्घ। पाक सेना को कोस रहे इमरान खान का यू टर्न। बोले मजबूत करने के लिए दी थी सेना की आलोचना। शेयर बाजार से 4 कंपनियां बाजार से जुटाएंगी 4500 करोड़। सोमवार को की जाएगी घोषणा। ट्विटर पर बदलेगी वेरिफिकेशन प्रोसेस। मस्क ने कहा पूरी प्रोसेस को नया रूप दिया जा रहा है। ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए देनी पड़ सकते हैं 1600 रुपए। स्पेशल मीटिंग महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने की जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपा जाएगा। लोन देने वाली चीनी ऐप्स के खिलाफ एमएचओ सख्त। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कार्रवाई का दिया निर्देश। के अमीरों पर तीसरे नंबर पर गौतम अडानी। अंबानी को मिला 16वां स्थान। डिविडेंड या बोनस शेयर दे सकता है एलआईसी। शेयरों में 2.5% से ज्यादा की आई तेजी, लेकिन इश्यू प्राइस से अभी भी करीब 30% नीचे है। भारत में सिर्फ स्मार्टफोन ही बेचेगी शाओमी। चाइनीज कंपनी ने बंद किया फाइनेंशियल बिजनेस। हीरो ने लॉन्च की 2 नई इलेक्ट्रिक साइकिल। मोबाइल के बराबर है इसकी कीमत। सड़कों पर नहीं चला पाएंगे डीजल से चलने वाली BS3 और BS4 कारें। रोकने के लिए तैनात की गई 120 टीम। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। इस बार बढ़ा 9% डीए। बढ़ा हुआ महंगाई। एक भत्ता जुलाई 2022 से मिलेगा। केएल राहुल टीम से बाहर। अश्विन की जगह युजवेंद्र हरभजन ने टीम इंडिया से कड़े फैसले लेने को कहा। टीम इंडिया का स्टार फिनिशर दिनेश कार्तिक चोटिल। बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है संदिग्ध।
फीफा वर्ल्ड कप में बॉलीवुड बिखेरेगा, शाहरुख खान और नोरा फतेही होंगे शामिल इस बार। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में पहली जीत, नीदरलैंड को 6 विकेट से हराया। शोएब अख्तर बोली, भारत की हार से पाकिस्तान की राह मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया में विराट के होटल रूम का वीडियो वायरल, कोहली बोली गई मेरी प्राइवेसी में दखल, खिलाड़ी की मनोरंजन की चीजें न मानी। भारत की खराब फील्डिंग पर छलका भुवी का दर्द, कहा अगर हमने कैच नहीं छोड़े होते तो परिणाम अलग ही होता। T20 विश्व कप में 13 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से हारा भारत, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल। हार के बाद अंक तालिका में दूसरे नंबर पर खिसक गई टीम इंडिया। टीम इंडिया के हार के बाद आग बबला हुए कप्तान रोहित बोले, एडन मार्क राम और डेविड मिलर ने मैच विनिंग पार्टनरशिप पर हम फील्डिंग में काफी खराब रहे। केआरके ने सलमान खान से मांगी माफी, बोले मेरी गिरफ्तारी के पीछे भाईजान का हाथ नहीं था, पीछे से कोई और खेल कर गया। स्टार किड्स के हेलोवीन पार्टी, अनन्या पांडे बनी KG3 की पू, तो अलादीन और जैस्मीन बनी नव्या, पार्टी में दिखा डिवॉच का डिफरेंट अवतार। टाइगर श्रॉफ का टूटा पैर, एक्शन सीन कर रहे थे शूट, वॉश बेसिन तोड़ने के चक्कर में लगी चोट। बड़ी फिल्मों से टक्कर के बाद भी नंबर वन पर है कांतारा, जारी है छप्पर फाड़ कमाई। मचाने के लिए तैयार पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन ने शुरू की फिल्म की शूटिंग सेट से सामने आए एक्टर की तस्वीर। आइटम बॉय बनेंगे रणबीर कपूर, रॉकेट गैंग फिल्म में करेंगे शानदार डांस। हेलोवीन पार्टी में स्पॉट हुई जानवी, ब्लैक कलर के आउटफिट में आई नजर, रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने होस्ट की थी पार्टी। विदेशों में भी RR का जलवा, जापानी बॉक्स ऑफिस पर बनी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म। पहली बार बेटी मालती के साथ इंडिया आ रही है प्रियंका चोपड़ा, शेयर की खास तस्वीर। राम सेतु ने बढ़ाई अक्षय कुमार की मुश्किलें, वीकेंड में कम करोड़ रुपए की हुई कमाई। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।